हेलो स्टूडेंट्स, यस्टरडे वी हैव डन चैप्टर ध्वनि ऑफ हिंदी ग्रामर. टुडे वी विल डू बैक एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर. यू रिमेंबर ना व्हाट इज अ ध्वनि साउंड? ओके, वी विल डू. नाउ फर्स्टली वी आर गोइंग टू डू फर्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि किसे कहते हैं. तो कल हमने क्या पढ़ा था कि जो भी हमारे मुख से निकलता है वो ध्वनि ही है. तो इसके लिए हम ये वाला आंसर लिखेंगे बच्चों. सबसे छोटे वाला ये आंसर है ना, मुख से निकलने वाली आवाज़ ध्वनि कहलाती है. जो मुख से आवाज़ निकलती है उसको हम क्या कहते हैं? ध्वनि कहलाते हैं. तो इसका आंसर ये फर्स्ट पॉइंट आएगा. ओके, सेकंड, ध्वनि किसका आधार है. तो बच्चे कौन सी चीज़ थी, कल हमने देखा था ना कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसका मतलब हो ही नहीं सकता, विकास ही नहीं हो सकता अगर ध्वनि ना हो. तो वो थी भाषा. हमने सीखा था ना कल कि जब तक भाषा है, क्योंकि उसका कारण सिर्फ यही है कि ध्वनि है. अगर ध्वनि ना हो तो कभी भी भाषा हो ही नहीं सकती. रिक्त स्थान. तो फिलप्स में क्या है, मुंह से निकलने वाली आवाज़ों को डैश कहते हैं ध्वनि. ध्वनि डैश की एक इकाई है. बच्चे हमने कल सीखा था ना कि एक किसकी सबसे ध्वनि सबकी सबसे छोटी इकाई किसकी है? मौखिक भाषा जो हम बोलते हैं, तो उसकी जो इकाई है वो कौन है? ध्वनि है. जीव जंतुओं की डैश बोली कहलाती है. जो उनकी उनकी बोली कौन सी है? जो उनकी आवाज़ें निकलती हैं, मतलब उनकी जो ध्वनियाँ हैं वो उनकी क्या कहलाती है? बोली कहलाती हैं. ध्वनि डैश का आधार है. तो वो हमने ऊपर क्वेश्चन में भी किया है कि ध्वनि तो भाषा का आधार है. क्लियर हो गया यहाँ तक? अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो देखो बच्चे, चेक अगेन. नेक्स्ट मिलान कीजिए. घोड़ा घोड़ा कैसे बोलता है बच्चे, क्या आपको पता है घोड़ा कैसे बोलता है? कुहू कुहू करता है, हिन हिन करता है, काव काव करता है, रभाती करता है, कि गुटरगू करता है? तो घोड़ा क्या करता है? हिन हिन करके बोलता है घोड़ा. मतलब उसकी जो ध्वनि है उसकी हम कहते हैं कि उसकी लैंग्वेज ये है, वो क्या है? हिन हिन. कौवा कैसे बोलता है? काव काव. कौवा कैसे बोलता है? काव काव. कबूतर कैसे बोलता है? कबूतर कैसे बोलता है बच्चे? गुटरगू गुटरगू. गाय कैसे करती है? कुहू कुहू. मतलब नहीं, गाय का होना चाहिए, ये तो कोयल करती. हाँ, कोयल करती है कुहू कुहू, और गाय क्या करती है? रभाती है. तो ये क्या हो गया? ये हमने आज क्या करे? MCQs कर लिए, फिलअप्स कर लिए और क्वेश्चंस कर लिए. तो आज हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया. मीन्स वी हैव फिनिश्ड अवर चैप्टर. सो एनी टाइम आई कैन टेक टेस्ट ऑफ दिस चैप्टर. दिस इज़ अ वेरी इजी टेस्ट. आई डोंट थिंक सो एनीबडी हैव एनी प्रॉब्लम. ओके बच्चे, रिवाइज दिस चैप्टर केयरफुली. गुड बाय.